हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शीतल्स किचन। कहने को ये सिर्फ एक दाल है, लेकिन मखनी दाल जो है पार्टी की शान होती है। कोई भी पार्टी हो, मखनी दाल के बिना मेन्यू कंप्लीट नहीं होता है। इसको पूरी, पराठे, नान किसी के संग भी सर्व करें, ये हमेशा शानदार ही लगती है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मखनी दाल बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए उड़द की दाल और राजमा। तो ये 300 ग्राम दाल के संग एक मुट्ठी राजमे डाल के पूरी रात भिगो के रखा है। और अब हम इसमें लाएंगे विसल। तो विसल लगाने से पहले हमें इसमें डालनी है कुछ चीज़ें। एक डालनी है इलायची, एक डालनी है लौंग, और अब इसमें जाएगा एक तेज़पत्ता। तो ये जो खड़े मसाले की जो खुशबू है इस दाल में अच्छे से मिक्स हो जाएगी, तो दाल का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टमाटर की प्यूरी। आप कह रहे होंगे कि कच्चे टमाटर डाल रही है, पर ट्रस्ट मी, ये टमाटर डालने से जो दाल का जो टेस्ट है वो इतना चेंज हो जाएगा, वो बहुत टेस्टी दाल लगेगी। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी। और अब इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे, ये है 1 चम्मच देगी मिर्च। देगी मिर्च डालने से इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा, तो हम इसी समय में देगी मिर्च भी ऐड कर देंगे। तो ये सब अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे 4 से 5 विसल। थोड़ा सा डाल देते हैं पानी। तो 4 से 5 विसल बाद हम इसको देखते हैं कि किस तरह से तैयार होती है। आप भी एक बार टमाटर को ऐसे कच्चे डाल के जब ट्राई करेंगे तो आप मुझे बताना कि आपकी दाल कैसी बनी। तो मेरा एक्सपीरियंस तो इस दाल को बनाने का बहुत अच्छा रहा। तो अब इसमें आ गई हैं 4 से 5 विसल और अब पारी है तड़के की। तो ये डाला है इसमें 2 चम्मच ऑयल, ये रिफाइंड ऑयल है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच बटर। तो मखनी दाल बिना बटर के तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि मखनी दाल जब तक मुँह में मक्खन की तरह ना घुले तो उसका मज़ा ही नहीं आता है। तो इसमें मैंने अब ऐड करना है इसमें 1 चम्मच गार्लिक। तो गार्लिक को हम बटर के साथ अच्छे से भूनेंगे जब तक ये सुनहरा होगा। तो जब तक ये अच्छे से सुनहरा होता है इसको हम अच्छे से कंटिन्यू चलाते रहेंगे, वरना कभी कभी क्या होता है कि गार्लिक तले में लग जाता है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 प्याज। ये एक बड़ा प्याज है जिसको अच्छे से हमें गार्लिक और बटर के संग भूनेंगे। तो इसको ऐसे ही कंटिन्यू चलाते हुए हमें भूनना है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच देगी मिर्च। मखनी दाल में देगी मिर्च के संग ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा सा कलर आता है, तो मैं इसमें देगी मिर्च ही डाल रही हूँ। और ये डाली है मैंने 4 टमाटर की प्यूरी। मीडियम साइज़ के टमाटर थे तो 4 टमाटर की प्यूरी डाल के अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक ऑयल सरफेस ना हो जाए तब तक। और ये डाला है मैंने इसमें धनिया पाउडर। हम पहले भी मसाले डाल चुके हैं दाल जब हमने उबाली थी। और ये डाला है थोड़ा सा नमक और ये थोड़ी सी हल्दी, ये 1/2 टीस्पून से भी कम हल्दी है क्योंकि हम हल्दी पहले भी डाल चुके हैं। और इसमें डाला है थोड़ा सा पानी। अब इसको हम पकाएंगे अच्छे से, जब तक हमारा मसाला पकता है तब तक हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो तब तक हम अपनी दाल चेक कर लेते हैं। तो दाल ये बहुत अच्छी सी पक गई है। आप देख सकते हैं इसका जो दाल का कलर है वो ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी इसमें तड़का लग गया हो। तो दाल जब पक जाए तो अब इसको हम अपने मसाले के संग डाल के फिर से पकाएंगे। इस समय में हमें गैस को कर देना है मीडियम और इसको चलाते हुए हमें कम से कम इसको पकाना है 10 से 20 मिनट के लिए। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 कप दूध। दूध डालने से जो मखनी दाल का जो रियल टेस्ट है वो आएगा। एकदम दाल जब आप खाएंगे तो एकदम मक्खन की तरह मुंह में घुलेगी। तो दूध डालना बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। तो अब हमने इसको पका लिया है 20 मिनट बाद। मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच गर्म मसाला। तो इसको दाल को कम से कम 20 मिनट हमें पकाना है। जितना अच्छे से दाल ये पकेगी उतनी ही इसका जो टेस्ट है वो डेवलप होगा।
दूध डालने के बाद हम दाल को फिर से ढकेंगे और फिर से पकाएंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। तो हम 10 से 15 मिनट बाद फिर इसको चेक करते हैं तो दाल दूध के संग पक के आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया और खुशबू जो हमने खड़े मसाले डाले थे वो भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इसको और अच्छा करने के लिए अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच बटर। मखनी दाल में बटर तो बिल्कुल बनता ही है। अब इसको बटर के संग अच्छे से हम एक बार और मिलाते हुए फिर से पकाएंगे इसको कम से कम 2-3 मिनट के लिए। तो इधर हमारी दाल पकती है तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच क्रीम। ये अमूल की फ्रेश क्रीम है। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप मलाई भी बैठ के डाल सकते हैं, लेकिन क्रीम का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो मैं इसमें क्रीम ही डाल रही हूँ। तो इसको हम पकाएंगे फिर से 5 मिनट के लिए। तो तब तक हम कर लेते हैं तड़के की तैयारी। तो तड़के के लिए मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच देसी घी और अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हींग। और हींग डालने के बाद अब इसमें डालिए 1/2 चम्मच देगी मिर्च और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। तो इस तड़के को तुरंत ही हमें दाल के ऊपर डाल देना है। तो दाल मखनी हो गई है तैयार। आप इसको पूरी, पराठे, नान किसी के संग भी सर्व करें, एकदम मजा आ जाएगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा भी डाल देती हूँ क्रीम। क्रीम वैसे मैंने इसमें पहले भी डाल दिया है लेकिन थोड़ा सा ऐसे ही ऊपर से डाल देती हूँ। तो इसको रख के 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद सर्व करेंगे तो इसका टेस्ट और भी डबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।